needs to end. अगर क्लास एट मैं आपको यदि भस्के प्रांजल बुक से लेसन नंबर एक यदि जीवन नाम लेसन को रीड कराएंगे, पहले आप इसमें शब्द डाल दें कि शब्द संरक्षण छत से बचाव पेयजल पीने योग्य न्यूनतम कम से कम प्राकृतिक स्रोत पेड़ से प्राप्त स्रोत आर्द्रता नमी मवेशी पशु रिहायशी आवासी सृष्टि समस्त ब्रह्मांड भू जल स्तर पृथ्वी के नीचे का पानी अवशिष्ट शेष या बाकी अदृश्य दिखाई न देने वाला, ये तो था शब्द। अब आप देखेंगे कि इस पाठ का परिचय क्या है। जल ही जीवन, हाँ जल ही जीवन, जल के बगैर हमारा जीवन जीना असंभव है, संभव नहीं है। जल का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इससे शायद कोई अपेक्षित होगा। जल के बिना जीवन संभव नहीं है। जल ही एक एक बूंद कीमती है, जल की एक एक बूंद कीमती है, फिर इसके संरक्षण के लिए हम उतने सतर्क नजर नहीं आते जितना होना चाहिए। हमें समझना चाहिए, समझना होगा कि जल के बिना हमारा खुदी में जाएगा। आइए इस बात को पढ़कर जल की भूमिका व इसका महत्व समझें और इस बात से हमको क्या सीख एवं ज्ञान मिलता प्राप्त होता। जल ही जीवन, जल के बिना मनुष्य जीवन की कल्पना भी जीवन की कल्पना भी संभव नहीं है। यदि हम जल का संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ क्या करेंगे, समस्त सृष्टि समाप्त हो जाएगी। जल ये जल उपलब्ध है तो हमारा भविष्य सुरक्षित, पेयजल लड़ाई खाना पकाने से सफाई में बनाए रखने के लिए व्यक्ति आवश्यकता होगी। संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रत्येक व्यक्ति के लिए सुझाई गई जल की उपलब्धता की न्यूनतम मात्रा 50 लीटर प्रति व्यक्ति है। यह व्यक्ति प्रति ये मात्रा प्रत्येक व्यक्ति लगभग 2.5 बाल्टी के बराबर है। प्रत्येक व्यक्ति को जल संरक्षण संरक्षण के मार्ग से परिचित करवाने के लिए ही प्रतिवर्ष 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। पूरे देश के लिए जल की कमी चिंता का विषय बन गई है। एक अनुमान के अनुसार अब से कुछ ही जल समय विश्व की 1/3 से अधिक जनसंख्या को जल की कमी का सामना करना पड़ेगा। हम समझते हैं, हम जानते हैं कि पृथ्वी की सतह पर लगभग 25% जल भार 25% भार जल से ढका है। पृथ्वी पर उपस्थित समस्त लगभग समस्त जल समुद्रों और महासागरों नदियों तालों और ध्रुवीय क्षेत्रों के रूप में यह भर भूजल और वायुमंडल में अधिक रूप से पाया जाता है, परंतु इसमें से अधिकांश जल मानव उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है। उपयोग के लिए उपयोग जल को बोलचाल की भाषा में ताजा जल कहते हैं। जो जल उपयोग में आता है उसे ताजा जल कहते हैं। शुद्ध जल की मात्रा पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का लगभग 0.006% है। विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों द्वारा पृथ्वी पर जल का निरंतर उपलब्धता करोड़ों वर्षों से बनी हुई है। यह सभी प्राकृतिक स्रोत समृद्ध रूप से जल चक्र का निर्माण करते हैं। जल ही एक मुख्य विशेषता, जल की एक मुख्य विशेषता यह है कि वह अपनी अवस्था आसानी से बदल सकता है। यह अपनी 3 अवस्थाओं ठोस द्रव और गैस के रूप में उपस्थित रहता है। पृथ्वी पर जल की मात्रा सीमित है, जल का चक्र अपनी स्थिति बदलते हुए चलता रहता है, जिसे हम जल चक्र कहते हैं। सूर्य की गर्मी से जल को वाष्प में बदलने को वाष्पीकरण कहते हैं। सूर्य की रोशनी समुद्र और झीलों के जल को गर्म करती है तथा गैस में परिवर्तित करती है। गर्म वायु वातावरण में ऊपर उठकर वाष्प बन जाती है। जब वायु काफी ठंडी होती है तब जल वाष्प वायु की कणों पर पिघलकर बादलों का निर्माण करता है। बादल आर्द्रता को रोक नहीं पाते तथा हिम वर्षा ओले आदि के रूप में गिरते हैं। जल चक्र निरंतर चलता है और स्रोतों को स्वच्छ करता है। पृथ्वी पर इस प्रक्रिया के अभाव में जीवन असंभव हो जाएगा। एशिया के 3 में से 1 व्यक्ति को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है। शहरी गरीबों में से 40% को और कई ग्रामीण वस्तुओं को सुरक्षित पेयजल नहीं मिलता। हमारा देश अपार वस्तुओं वाला देश है। यहाँ की सीमाएं 3 मुख्य से समुद्र से घिरी है। उत्तर में हमारे गर्भित वालियाँ हैं, जल ही जीवन है का नारा हमारे देश में बहुत ही प्रचलित रहा है। लेकिन इतने जल स्रोतों के होते हुए भी हमारे देश में नागरिक जीवन भयानक जल संकट से गुजर रहा है। नदियाँ तालाब प्राचीन बावड़ियाँ कुएं झरने बहुत ज़्यादा
जब संगत ने परंपरागत जसरूतों को अपनी चपेट में लिया ही है, चपेट में लिया ही है, उनका जब भी इससे अछूता नहीं रहा। जब संगत के परंपरागत जसरूतों को अपनी चपेट में अछूता नहीं रहा और देश के कई स्थानों में भूजल समाप्त की तालाब पर अथवा तेजी से दूषित हो रहा है। आज़ादी के समय यहाँ हमारे देश में पृथ्वी जल की उपलब्धता लगभग 5,100 घनमीटर थी, वही अब वह घटकर केवल 1,750 घनमीटर रह गई। होमवर्क होमवर्क में लेसन नंबर 1 के पहले आप शब्दार्थ देखेंगे, इन शब्दार्थ को लिख करके जो शब्दार्थ शब्द दिए गए इनका अर्थ लिखेंगे। संरक्षण, पेयजल, न्यूनतम प्रकट स्रोत, आर्द्रता, मवेशी, रिहायशी, सस्ती, भूजल स्तर, अवशिष्ट और ये शब्दों को लेकर इनका अर्थ लिखेंगे। अर्थ लिखने के बाद आप इनको लग करेंगे और इस पाठ से जल ही जीवन नामक पाठ से पढ़ करके ये पाठ को अच्छे से हम आपको ये सीख क्या सीख मिलती है जल हमारी संस्कृति कितना आवश्यक है।